नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। नालासोपारा पूर्व के ओसवाल नगरी में गटर की स्लेब गिरने से हुआ हादसा, टल गई बड़ी अनहोनी। वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत नालासोपारा के ओसवाल नगरी में आज दोपहर को एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल ओसवाल नगरी की बाबा रिजेंसी नाम की रहवासी सोसायटी में बनी एक पुरानी गटर का स्लेब गिर गया और गटर पाताल में धस गई। गनीमत यह रही कि जिस समय यह हादसा हुआ तब वहां कोई मौजूद नहीं था और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन गटर पर पार की गई एक चार पहिया गाड़ी व चार बाइक उस गटर में समा गए। घटना के समय वहां मौजूद प्रत्यक्ष दर्शियों ने मीडिया को बताया कि छोटे छोटे बच्चे अक्सर उस गटर पर खेलकूद करते रहते हैं। अगर आज जिस समय हादसा हुआ तब भी वहां बच्चे गटर पर खेल रहे होते तब बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। प्रत्यक्ष दर्शियों ने यह भी बताया कि उस गटर या नाले पर डाला गया स्लेब कई सालों पुराना था और यही वजह है कि स्लेब गिर पड़ा। हालांकि स्लेब के पुराने होने की जानकारी प्रत्यक्ष स्थानिकों द्वारा वसई विरार महानगर पालिका को दी जा चुकी थी, फिर भी महानगर पालिका ने लापरवाही बरती। ज्ञात हो वसई विरार में यह कोई पहला नाला नहीं है जिसका स्लेब आज गिरा है। इससे पहले भी कई बार अलग अलग जगह के नालों पर बड़े स्लेब गिर चुके हैं। कुछ सालों पहले वसई के आनंदनगर में इसी तरह गटर का स्लेब गिरने पर तब करीब 18 लोग जख्मी हो गए थे, जिस पर स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट अशोक राव ने पुलिस शिकायत भी दर्ज करवाई थी। वह मामला आज भी विचाराधीन है। उक्त हादसे के अलावा वसई तहसीलदार कार्यालय के सामने बने गटर का स्लेब भी पिछले दिनों गिर चुका है। इस तरफ मनपा में गटर के स्लेब गिर रहे हैं। गटर को दुरुस्त करने की जगह वसई विरार महानगर पालिका दूसरी तरफ गैर जरूरी चीजों का निर्माण करवाकर जनता के टैक्स के पैसों को उड़ा रही है। पिछले दिनों लाखों का खर्च कर मनपा द्वारा बनवाई गई अभ्यासिका की हालत भी सेफ न्यूज लाइव ने आप सभी को पिछले वीडियो में दिखाई है। आज की घटना के बाद मामले की जानकारी पर वसई विरार मनपा अग्निशमन दल ने हादसे वाली जगह पर पहुंचकर गटर में गिरी कार और बाइक को निकाला। आज अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। एक्टिविटी वैसा हो रहा था यहाँ पे, लेकिन क्या हुआ, ये बच्चे नीचे खेल रहे थे, थोड़ी देर पहले सब लोग ऊपर गए। कोई हादसा बहुत नहीं हुआ है, कोई मतलब किसी का जान का हादसा नहीं हुआ है, लेकिन हमारा एक कार और चार बाइक जो थी गटर पे वो अचानक बैठ गया। ऐसा कभी किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर अचानक ये हादसा हुआ है और इसको हम मांग करते हैं महानगर पालिका से कि उसको जल्द से जल्द रिपेयर करके काम को बंद किया। सबसे पहले किसने देखा था? हमारे वॉच ये हमारे बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे चौहान जी रहते हैं, उन्होंने देखा था और हमारे वॉचमैन ने देखा था, जो भी मौजूद थे मौजूदा पे बाकी लोगों ने, सब लोग ने देखा। सर यहाँ पे जिस तरह गाड़ी नीचे गई है तो क्या कहना चाहेंगे महानगर पालिका से, यहाँ पे बिल्डिंग के पदाधिकारी से? सर नगर पालिका कंप्लेंट किया था पहले, क्या कंप्लेंट किया, नगर पालिका देखने नहीं आया। एक तो गलती क्या है, एक गलती हम लोग की गलती है, गाड़ी खड़ा करते हैं, गलती है वो है सीधा बोलो, गलती हम लोग बिल्डिंग के भी है, गाड़ी गलत खड़ा करता है उधर। लेकिन और नगर पालिका को सुनना मत, नगर पालिका देखने नहीं आता है, कंप्लेंट किया सुना आया नहीं, कंप्लेंट किए थे आया नहीं। मैं देख रहा हूँ सर कि बिल्डिंग में जो गेट बना हुआ है वो गटर के ऊपर से गया हुआ है, गटर ऊपर से गया, तो गाड़ी तो नहीं जाएगी, अगर उस समय भी हादसा हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। एक हफ्ते से दो हफ्ते से गटर जम मर रहा है, दो हफ्ते से गटर जम मर रहा है, ज्यादा जम मरते है, कोई ध्यान दे नहीं रहा गटर को। इसका कुछ काम नहीं है ना, थोड़ा आप लोग बाहर हो जाइए, बाहर हो जाइए, इधर आओ, गेट बंद करो। बुलावा यार बुलावा, हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।